ऑडियो क्लियर है स्क्रीन विजिबल है हेलो एम आई ऑडियोबल ओके सो स्टार्ट करते हैं सेशन एंड सी सी एन ए न्यू बैच ओके एंड वी विल स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ आप इसका इस्तेमाल करिए अपने प्रैक्टिस के लिए तो हमारे पास एक, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो कि सिसको पैकेट ट्रेसर है जब बिगनर लेबल काफी चीजें आप इधर मैनेज कर सकते हो यूज कर सकते हो and today we will discuss about uh, hub switch bridge router wireless access point power over ethernet bridge repeater okay cable media network racks firewall modem nic pc laptop and connectors i think pc laptop everyone know that what is pc what is laptop but another devices we can discuss in depth okay सो फर्स्ट डिवाइस इज हब एंड स्विच सो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है आपके पास एक हब है और एक स्विच है तो हब के बारे में मैंने एक ब्रीफ दिया था बट uh, मैं सिंक करता हूं और आज से हम लोग डीप सेशन लेकर चलते हैं एज पर सी सी एन ए सो हब इज अ सेंट्रल डिवाइस मीन्स फ्रॉम अ सिंगल हब

ब्रॉडकास्ट डेटा यह हमेशा डेटा को क्या करता है ब्रॉडकास्ट करता है राइट ब्रॉडकास्ट इन देंस कि एवरी टाइम हबका एंड ड्यू टू ब्रॉडकास्ट हब क्रिएट मल्टीपल ट्रैफिक्स मल्टीपल कोलिजन और लॉट्स ऑफ ट्रैफिक कोलिजन वाइल्ड ट्रांसमिटिंग डेटा टू ईच अदर सो इस वजह से हम लोग हब जैसी डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करते और इसका बहुत ड्रॉबैक होता है स्लो ट्रैफिक होता है और एट अ टाइम टू डिवाइसेस अगर डेटा ट्रैफिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं ओवर नेटवर्क सो डेटा विल बी कोलाइडेड आपका डेटा क्या हो जाएगा उधर कोलाइडेड हो जाएगा डेटा आपस में टकरा जाएगा और प्रॉब्लम होगी बिकॉज हब इज अ ब्रेनलेस डिवाइस ये भी पॉइंट आपने देखा था कि इसके पास क्या होता है ब्रेनलेस मीन्स देर इज नो ब्रेन देर इज नो मेमरी

और इस वजह से हम लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं यूज करने से बट जहां पर हमें ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की जरूरत होती है देन वी कैन यूज हब स्टिल वी कैन यूज हब डिवाइस टू यूज द इंफॉर्मेशन अनदर थिंग हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास स्विच होता है और स्विच भी में सिमिलर ही टेक्नोलॉजी होता है स्विच सिमिलर प्रोसेस पर ही वर्क करता है मैं देखो यहां पर कहीं एंड स्विच है नीचे है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक ये स्विच है अब कंपैरिजन यहीं पर डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं और स्विच को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे टुडे वी विल डिस्कस ओनली द फंडामेंटल पार्ट बट इट इज इट इज आल्सो अ डेप्थ पार्ट फॉर बिगनर बट स्विचिंग डिस्कस डेप्थ पार्ट ऑफ स्विचिंग ओके स्विच के बहुत सारे टेक्नोलॉजी uh, होगा depth, uh, so, पर आप देख सकते हो बिल्कुल हब हाँ की तरह इसको भी हम लोग एज अ सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं मीन्स फ्रॉम अगल स्विच यू कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस तो एक तरीके का ये भी क्या करता है सिंगल नेटवर्क या सिंगल सेगमेंट को ये शेयर करता है मल्टीपल सेगमेंट में या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन करता है मल्टीपल डिवाइसेस को शेयर करता है तो अगर इन केस कोई भी नेटवर्क इंटरफेस जो इंटरनेट लाइन है अगर स्विच को दिया जाता है तो स्विच बाकी को भी वो इंटरफेस के भी आप पर कम्युनिकेशन इंटरनेट का करवा देगा सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्विच मे स्विच कैन कन्वर्ट आर कनेक्ट सिंगल नेटवर्क सेगमेंट विथ मल्टीपल है ना सिंगल नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल के साथ कनेक्ट करता है सो इट इज अ सेंट्रल डिवाइस

Key importance, means key feature are plus point, की इंपॉर्टेंस मीन की फीचर आर प्लस पॉइंट जो कि हमारे की प्लस पॉइंट है इन बिटवीन हब एंड स्विच तो स्विच में हमारे पास क्या होता है स्विच फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट द डेटा राइट स्विच क्या करता है ये फर्स्ट टाइम ओनली ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को राइट अब फर्स्ट टाइम इन द सेंस कि जब हम नई डिवाइस ऐड कर रहे हैं स्विच को म्यूट कर लीजिए सभी लोग म्यूट करके रखेंगे लास्ट में क्वेरी सेशन रखेंगे या टॉपिक के बाद एवरी टॉपिक के बाद सो की प्लस पॉइंट अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट दी डेटा स्विच क्या करता है फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है डेटा देन एज पर नीड और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो स्विच है स्विच लर्न मैक एड्रेस एंड वर्क बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस वर्क ऑन मैक एड्रेस ये मैक एड्रेस को लर्न करता है और मैक एड्रेस के बिहाफ पर यह वर्क करता है ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं अपने स्विच के साथ लाइक ये पीसी है तो इसका मैक एड्रेस वैसे 12 डिजिट का होता है 48 बिट्स बट मैं फॉर एग्जांपल इसका मैक एड्रेस जस्ट ए रखता हूँ थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं या मैक एड्रेस ए रख दिया एंड द मैक एड्रेस फॉर दिस डिवाइस इज बी एंड द मैक एड्रेस फॉर दिस डिवाइस इज सी एंड डी दीस आर द मैक एड्रेसेस सो स्विच स्टोर मैक डेटा और स्विच जो भी मैक डेटा स्टोर करता है वो कहां स्टोर करता है स्विच स्टोर मैक डेटा इन इन विच मेमोरी एनी आइडिया नो आइडिया ओके स्टोर डेटा इन कैम टेबल कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेस मेमोरी डेटा अबाउट मैक ऑन स्विच विध कनेक्टेड पोर्ट जो भी हमारे port है, इनके ports का Mac से स्टोर करके रखेगा एंड स्विच क्या है? इनी Mac के पर data करता है डेटा स्टोर करता है मान लिया कि बी पी सी से कोई भी डेटा जनरेट होता है तो जो भी हमारा इसका हेडर बनेगा ना डेटा हेडर कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स प्लस डेस्टिनेशन में सोर्स प्लस और सेंडर प्लस रिसीवर मैक मैक एड्रेस एड्रेस तो इसका बी हो, हो जाएगा अगर डेटा बी टू डी जा रहा है मान लिया या पी सी जीरो टू पी सी बन जा रहा है तो बी हमारा सोर्स डेटा और इधर का हमारा हो जाएगा मैक एड्रेस डी तो हमारा जो अनदर इस पी सी के लिए डेटा जा रहा है डेस्टिनेशन के लिए वो B2D टू मैक एड्रेस पर ट्रांसफर होगा तो स्विच जब स्टोर करेगा अपनी केबल कैम टेबल में चेक करेगा भाई ये डी मैक एड्रेस किसका है तो फिर वो उसी को डिलीवर होगा है ना तो मैक एड्रेस कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक एड्रेस कलेक्टिव कलेक्शन के समय या फिर हम लोग बोलें तो जो भी हमारी कैम टेबल बनने के समय मैक एड्रेस के लिए डेटा ब्रॉडकास्ट होता है बाई स्विच बट ये एक बार का प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर मैक एड्रेस के भी यहाँ पर डेटा डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर ब्रेन होता है और एक समझदारी के साथ डेटा को ट्रांसफर करता है ट्रेवल करता है राइट ये चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं सो so, अगर हमें अपने सिस्को डिवाइसेस को चेक करना है कि हमारे पर्टिकुलर स्विच या जो भी हमारे सिस्को डिवाइसेस हैं इन पर डेटा या जो भी हमारे कैम टेबल है उनको कैसे चेक करेंगे तो एक रियल इन्वायरमेंट में जब आप काम कर रहे हो तो वहां पर आप डेस्कटॉप यानी कि अपने स्विच को एक्सेस करोगे या किसी भी कंप्यूटर पर जाकर आप लिखोगे ए आर पी स्पेस हाइफन ए यहां पर आपको स्विच की पूरी एआरपी टेबल ये दिखा देगा ओके अगर किसी को नहीं पता एआरपी टेबल के बारे में तो एआरपी टेबल एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूं फॉर एग्जाम्पल आरपी एआरपी स्टैंड फॉर एआरपी स्टैंड फॉर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग अलाउ तो है प्रोटोकॉल सो एड्रेस को रिजोल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक तो प्रोटोकॉल है तो अगर मैक एड्रेस मैंने बताया ए है और इसका मैक एड्रेस बी है इसका मैक एड्रेस डी है इसका मैक एड्रेस डी है फॉर एग्जाम्पल वैसे होता है ट्वेल्व डिजिट का मैं जस्ट रेंडम ऐसे लिख रहा हूँ बट द आई पी एड्रेस इज टेन जीरो जीरो टेन

तो अब ये इंफॉर्मेशन रखने के साथ अगर हम लोग देखें तो लेयर टू में स्विच स्टोर ओनली ओनली मैक एड्रेस तो अगर लेयर टू पर हमारा स्विच कोई भी मान लिया कि एक्स पैकेट आपने ट्रांसफर किया यहां से सी के लिए वो पैकेट आया हमारा यहां पर और इसके अंदर मैक एड्रेस और आईपी भी अगर यहां पर ये यह लर्न करना स्टार्ट कर दे आईपी को भी समझना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा फिर तुम्हारा मैक एड्रेस का कोई काम ही नहीं है तो इस लेवल पर इसको बनाया भी नहीं गया है ये मैक मैक बेस पर फ्रेमिंग या डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है सारी चीजें ओके एक मिनट मैं आया सो okay. ए so, को मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो ये क्या करता है मीन ये लेयर uh, में हमारा क्या करता है मैक एड्रेस की ओनली इंफॉर्मेशन को कैप्ट करता है रेस्ट को ये रिलीज कर देता है तो एआरपी क्या करता है कि हमारा आई एड्रेस जो होता है इसका मैक एड्रेस सोल्यूशन के लिए आईपी टू मैक सोल्यूशन के लिए फाइंड करने के लिए काम करता है एंड जस्ट इसके रिवर्स में एक प्रोटोकॉल है आर और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक एड्रेस टू आई है फिर ये वही काम करता है क्योंकि ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशन है वो आईपी एड्रेस पर ही तो एड्रेस पर ही तो जाएगा ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं अगर आईपी हम लोग नहीं देते हैं इस पीसी पर आईपी ना दे तो क्या विदाउट मैक एड्रेस हमारा स्विच डेटा ट्रांसफर कर पाएगा अपने आप से क्वेश्चन करो क्या ऐसा पॉसिबल है इज इट पॉसिबल ऐसा है क्या हेलो हेलो हाँ नहीं है नहीं है ओके okay. थोड़ा सा रहेंगे थोड़ा मुझे लगता है कि कोई है नहीं और इतनी टाइम मैं अकेले तो नहीं वो कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा अवेलेबल रहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो भी पैकेट आ रहा है या देखो मैं भूल गया अभी क्या मैं बता रहा था तो सिंपल मैक एड्रेस विदाउट आईपी एड्रेस इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारा जो स्विच है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन करवा पाए आईपी तो मैंडेटरी है आईपी पर ही हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है बट स्विच के लिए मैक एड्रेस के ब्यापर ये प्रेफरेंस दिया जा रहा है डेटा ट्रेवल करने में तो ये प्रोटोकॉल हमारा ए से ये पता चलता है कि हमारा आईपी से मैक पता चलेगा एंड जस्ट हमारा मैक टू आईपी ये टेबल हम लोग चेक कर सकते हैं अपने स्विच पर कैसे चेक कर सकते हो लेट मी शो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पैकेट यहाँ से सेंड कर देता हूँ यहाँ के लिए सक्सेसफुल है अगर मैं यहाँ से यहाँ के लिए सक्सेसफुल है कुछ पैकेट मैंने सेंड कर दिया अब अपने अपने पास ही अपनी टेबल को कभी नहीं रखता है एआरपी स्पेस ए अगर मैं लिखूंगा तो ये पूरी डिटेल दिखा देगा यू कैन सी क्लियर है आप यहां पर देख सकते हो तो क्या अपडेट यहां पर देखने को मिल रहा है अपडेट हमारे पास ये है कि जो भी हमारा डेटा है वो अगर इस एड्रेस का देखा जाए तो इसके पॉइंट पर ये आईपी एड्रेस है और इस मैक एड्रेस के लिए ये आईपी एड्रेस वर्क कर रहा है ये एआरपी टेबल का एक डेटाबेस है बट स्विच का अगर टेबल में साथ साथ कंपेयर करता हूं कि अगर स्विच के पास हमारे पास क्या टेबल है तो स्विच पर आ जाओ और स्विच पर एक जस्ट रेंडम कमांड अप्लाई कर सकते हो कमांड चेक कर सकते हो टू चेक ओनली मैक एड्रेस टेबल सो स्पेस मैक सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल सो दीज आर दैक टेबल्स ओके अब दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो कि हमारे पास जो टेबल है उसका क्या रेसी पूरा अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हो ठीक है तो अभी अगर हम लोग देखें फोर्टीन फोर्टीन एक पी सी है जो कि पोर्ट नंबर एफ ए जीरो स्लैस वन पर कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस है जिसका आईपी एड्रेस ट्वेल्व टेन जीरो जीरो ट्वेल्व है ओके तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में डेटाबेस के साथ काम करते हैं देन एग्जैक्ट लोकेशन पर डेटा डिलीवर कर पाता है ये हमारे स्विच का फंक्शन होता है फ्रेम को डिलीवर करने में ये हेल्प करता है कोई भी मैसेज जब आप देखेंगे तो इसका हेडर हमारा जो प्रिपेयर होता है किसी भी डिवाइस के लिए अगर मैं दिखाऊं बाय डिफॉल्ट तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो मैसेज होगा अगर मैं यहाँ से यहाँ के लिए सेंड करता हूँ इन्फॉर्मेशन देखो लेयर थ्री की इन्फॉर्मेशन मैंने बोला आईपी एड्रेस होगा लेयर में मैक एड्रेस होगा देन हमारा लेयर वन इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली फ्रेम होगा जिधर हमारा डेटा डिलीवर होगा तो मैक एड्रेसेस यहाँ पर लर्न कर कर चुका है हमारा स्विच ओके इस वजह से ये जो भी डेटा रिसीव करेगा अब अगर इस डेटा पैकेट के अंदर देखेंगे तो लेयर टू की इन्फॉर्मेशन सॉरी लेयर थ्री यहाँ से हट चुका है लेयर टू है और लास्ट लेयर की इंफॉर्मेशन बची हुई है ठीक है तो जिस लेयर का डेटा जहां पर होता है वहां पर वो चीज हाईलाइट होता है है ना ओ एस मॉडल में ये चीज हम लोग डेप्थ में समझेंगे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इधर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक डिलीवर लोकेशन है कहाँ पर हमारा मैक एड्रेस आईपी एड्रेस पैकेट जा रहा है ये सब कुछ यहाँ पर फाइनलाइज होता है तो एक तरीके का ये एक प्रोसेस है जिसमें आप हब एंड स्विच का कॉन्सेप्ट समझ पाते हो कॉलिजन हमारे हब में ज्यादा क्रिएट होता है और हम एट अ टाइम डेटा पैकेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये सारी चीजें स्विच को आप डुप्लेक्स मोड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओके यानी कि अगर आपका स्विच है और उसको आपको डुप्लेक्स मोड वगैरह पर लेकर जाना है डुप्लेक्स मोड कन्फिगर करना है सो हंड्रेड टेन परसेंट यू कैन कन्फिगर डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी हमारा क्या करता है एक तरीके का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है कि हम लोग डेटा को एट अ टाइम सेंड रिसीव दोनों करना चाहते हैं या सिर्फ सेंड करना चाहते हैं सेंडिंग के समय और रिसीविंग के समय सिर्फ रिसीव करना चाहते हैं तो so डुप्लेक्स मोड में आप इसको सेट कर सकते हो तो फुल डुप्लेक्स पर भी ये वर्क करता है और हाफ डुप्लेक्स इनेबल फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स फॉर कम्युनिकेशन तो आप यहां पर फुल एंड हाफ दोनों तरीके का यूज कर सकते हो डेटा लिंक लेयर याद रखेंगे ये इंटरव्यू का पार्ट है सो इट ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर और लेयर टू डिवाइस है ये यानी कि हमारा एस आई मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा लिंक लेयर या लेयर टू डिवाइस बोला जाता है वो भी आप लोग पढ़ोगे इफिशियंटली ट्रैफिक को मैनेज करता है एंड ये वगैरह को मिनिमाइज करता है, है ना और हाई बैंडविड्थ का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है मींस जीबी जीबीपीएस में आपको डेटा ट्रांसफर कर देता है एट ए टाइम मल्टीपल डेटा सारी डिवाइसेस अपना-अपना अलग-अलग कम्युनिकेशन कर सकते हैं है ना जितने भी हैं अलग-अलग अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं लार्ज नेटवर्क के अंदर ये स्टोर या यूज किया जाने वाला डिवाइस है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज वीलैन यू कैन क्रिएट वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क मींस आपका लैन इन्वायरमेंट फिजिकल भी होता है प्लस वर्चुअल भी होता है तो अगर आपके एक कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक एक्स कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहां पर एक स्विच लगा हुआ है और उस वो जो स्विच है वो ट्वेंटी फोर पोर्ट का है और उसमें से जो ट्वेल्व पोर्ट है ये हमारा एक लैब है बड़ा सा लैब है रूम है जहां पर बारह यूजर इधर काम कर रहे हैं और बारह यूजर इधर वर्क स्टेशन पर काम कर रहे हैं ठीक है बारह पीसी इधर कनेक्टेड है ट्वेल्व पीसी ट्वेल्व पीसी सो इधर के जितने भी यूजर इधर काम कर रहे हैं ये सब भी स्विच के साथ कनेक्टेड है इधर के जितने यूजर इधर काम कर रहे हैं ये सब भी इसके साथ ही कनेक्टेड है एंड ऑल आर कनेक्टेड ऑन सेम नेटवर्क सेम नेटवर्क इन द सेंस की ये लोग टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट एक ही नेटवर्क के अंदर सभी लोग कनेक्टेड है सभी लोग जुड़े हुए हैं सो so, यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑफ पॉसिबिलिटी है ड्यू डेटा सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है डेटा सिक्योरिटी ब्रिज को लेकर मीन्स दिस डिपार्टमेंट यूजर कैन एक्सेस डेटा विद द हेल्प ऑफ स्विच

ऐसे फ्लोर में पार्टीशन दे देने से नहीं हो जाता है बट स्विच के अंदर एक फीचर आपको मिल जाता है वी लैन का पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर है ये बट इसको ब्रीफ थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं थोड़ा सा, सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वी लैन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई और वी कैन जस्ट क्रिएट वर्चुअल लैन द फिजिकल लैन के भी हाँ पर आप वर्चुअल लैन क्रिएट कर सकते हो सो यू कैन बाय डिफॉल्ट ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन वर्चुअल लैन आर फिजिकल लैन विच इज वीलैन वन आर वर्चुअल लैन वन है ना बाई डिफॉल्ट एक हमारे स्विच पर लैन होता है जो वीलैन वन होता है इस पर कनेक्टेड होते हैं राइट देन नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट वन में होने के लिए वन इज नेटिव सो एवरी मशीन कैन शेयर द डेटा टू ईच अदर ओके ऑन सेम नेटवर्क इन स्विच बट यू कैन क्रिएट वी लैंड टू वी लैन थ्री वी लैन फोर मल्टीपल्स नंबर ऑफ वीलैन एंड यू कैन क्रिएट वी लैंड थ्री वी लैंड टू फॉर दीज ऑल मशीन एंड वी लैन थ्री फॉर दीज ऑल मशीन ओके एंड यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई एवरी इंटरफेस लाइक इंटरफेस वन which is f0 slash 1 for this machine so you can identify the particular interface with a specific vlan and then you can configure virtual local area network to separate the single LAN into different vlan so with vlan hello, what are you? hello?

ना स्विच मैक एड्रेस टेबल को रिफ्रेश करता है सारी चीजें मेंटेन करता है ओके वी विल डिस्कस लेटर इन स्विचिंग पार्ट अगला हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है लाइक राउटर्स ओके राउटर सो राउटर इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन लेयर थ्री राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो लेयर थ्री पर वर्क करता है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ राउटर मल्टीपल्स टाइप्स के राउटर आपको देखने को मिलेंगे वन ऑफ द राउटर सॉरी वन ऑफ द बेस्ट राउटर जो कि आपके सामने अभी दिख रहा है ऐसा सभी के घरों में भी लगा होगा ओके सो वॉट इज द यूज ऑफ राउटर सो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ लाइक नेटवर्क राउटर अ राउटर कैन कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क टू ईच अदर ओके लाइक इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क टू इच अदर इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर द डेटा फ्राम वन नेटवर्क टू वन अदर नेटवर्क यू कैन यूज राउटर अपने नेटवर्क से लैन वन से लैन टू में बात करने के लिए या लैन वन से दूसरे किसी डिपार्टमेंट या दूसरे लोकल एरिया में बात करने के लिए हमें एक राउटर की डिवाइस चाहिए होती है और राउटर से ही हमारा पॉसिबल होता है कम्युनिकेशन मैं यहाँ पर एक टोपोलॉजी ओपन करता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर देख लें फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये एक टोपोलॉजी है मैं थोड़ा इजी टॉपोलॉजी लेकर चलता हूं ये हो गया ठीक है इसी पर ले लेते हैं तो राउटर क्या करता है राउटर सेंड द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क दिस इज नेटवर्क वन एंड दिस इज नेटवर्क टू सो राउटर एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क मीन्स पीसी जीरो कैन ट्रांसफर द डेटा टू पी सी वन इन डिफरेंट नेटवर्क विच इज इन डिफरेंट नेटवर्क जो कि कहां पर है एक अलग नेटवर्क में है यहाँ पर हमारा 192 का नेटवर्क है और यहां पर हमारा 172 का नेटवर्क है मींस 192 नेटवर्क कैन ट्रांसफर दूंटी टू 172 नेटवर्क ड्यू टू राउटर ओके सो राउटर क्या करता है सबसे पहले तो लेयर थ्री डिवाइस है मींस नेटवर्क लेयर पर यह काम करता है एंड विद द हेल्प ऑफ राउटर यू कैन कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क टू ईच अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ राउटर जो कि ये है एंड नेक्स्ट थिंग विद द हेल्प ऑफ राउटर न फॉरवर्ड ट्रैफिक इन आई पी आप आईपी में क्या कर सकते हो या विद द हेल्प ऑफ आई पी बेस्ट नेटवर्क यू कैन क्रिएट कम्युनिकेशन तो राउटर क्या करता है आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए जैसे हम लोग आपस में बात करने के लिए क्या करते हैं अभी मान लिया की जूम सेशन का इस्तेमाल करते हैं तो राउटर भी ऐसे कोई ना कोई एक टेक्निक इस्तेमाल करता है राउटर अपने नेबर राउटर को कम्युनिकेट करने के लिए राउटर यूज आईपी एड्रेसेस ओके सो राउटर यूज राउटिंग टेबल एवरी राउटर स्टोर बेस्ट पाथ इन राउटिंग टेबल फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक यूजर है विच इज रोहन एंड रोहन इज इन डेली इंडिया ये डेली और इंडिया लोकेशन पर है एंड रोहन वॉन्ट टू एक्सेस डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम ओके गूगल डॉट कॉम द बैकेंड आईपी ऑफ गूगल इज एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट ऐसा कुछ है इस को रोहन क्या करना चाहता है इंडिया से एक्सेस करना चाहता है सो so, रोहन ने क्या किया एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाया और बगल में उसके एक आईएसपी था जो कि एयरटेल जियो बी एस एन एल वोडाफोन ये सभी है इसने यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ले लिया बट हम लोग आई को एज ए राउटर यहाँ पर कंसिडर करते हैं ठीक है तो मैं एक काम करता यहाँ पर एज आई ले लेता हूँ लाइक राउटर वन मे बी राउटर टू मे बी राउटर थ्री राउटर फोर अनदर राउटर राउटर अनदर मल्टीपल्स ऑफ़ राउटर पर हो सकते हैं एंड यहां पर हमारे पास सर्वर है विच इज गूगल डॉट कॉम राइट दिस इज द सर्वर गूगल डॉट कॉम कहीं पर भी ये हो सकता है विथ आई पी एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट राइट दिस इज द पब्लिक आईपी फॉर गूगल और पब्लिक डीएनएसआई गूगल तो ये कहीं ना कहीं से ये भी अपने इंटरनेट से जुड़ा होगा ये सारी चीजें एंड एवरी डिवाइसेस और एवरी राउटर कनेक्ट विथ ईच अदर में भी ऐसा हो सकता हो सो so राउटर क्या करता है राउटर क्रिएट्स राउटिंग टेबल मींस दिस राउटर स्टोर टेबल टेबल फॉर दिस राउटर फॉर दिस राउटर फॉर दिस राउटर आर बोल सकते हो कि दिस इज पाथ मीन्स राउटर स्टोर ऑल पाथ इन राउटिंग टेबल फॉरवर्ड ट्रैफिक ट्रैफिक फॉर फर्दर आगे को भेजने के लिए राउटर क्या करता है राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करता है और राउटिंग टेबल में ये सभी पाथ की इंफॉर्मेशन रखता है कि भाई मुझे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए फ्रॉम सोर्स कौन से रास्ते से जाऊं मैं इधर से जाऊं इधर से जाऊं इधर से जाऊं तो पाथ का मतलब होता है कि अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाना है आपके ऑफिस से घर के बीच में तीन रास्ते हैं तो आपको पता होगा कि ये बेस्ट है गर्मी के समय पैदल जाने के लिए ये बेस्ट है बारिश के समय अच्छे से जाने के लिए या ये ट्रेन से जाने के लिए मतलब आपको मल्टीपल पाथ मिल सकते हैं तो एज पर सिचुएशन जो रास्ता बेस्ट होता है जो बेटर होता है उस समय आप वही रास्ते से अपना ऑफिस जाते हो वैसे यहां पर भी राउटर भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ मल्टीपल राउटिंग टेबल क्रिएट करके रखता है ओके देन यह आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है सो अनदर थिंग राउटर यूज सिक्योरिटी फीचर ओके राउटर यूज सिक्योरिटी फीचर मीन्स स्पेसिफिक राउटर कैन मैनेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक यू कैन इनेबल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेस सिक्योरिटी हाउ वी कैन डिप्लॉय नेट सर्विस फॉर आर वेबसाइट की हमारी प्राइवेट आईपी वेबसाइट की पब्लिक आईपी के साथ कैसे बात करती है हम लोग एक सेटअप करके देखेंगे रियल इन right? तो वी कैन एनेबल नेट ऑन राउटर राउटर पर हम लोग ये करके देखेंगे एंड डेफिनेटली वी कैन फाइंड सम फायरबॉल सिक्योरिटी ऑन आर राउटर मीन्स वी कैन एनेबल सिक्योरिटी, वी कैन एनेबल फायरबॉल बेस्ट सिक्योरिटी मीन्स वी कैन एनेबल इन साइड एंड आउटसाइड ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ राउटर वी कैन फिल्टर द ट्रैफिक मीन्स हम लोग राउटर के थ्रू पूरा सिक्योरिटी लेयर तैयार कर सकते हैं वी कैन क्रिएट एक्सेस लिस्ट

to transfer the data and uh, router operates on layer 3 there are multiple types of router jo ki kuch customer edge router hote hain ce customer edge router jo ki uh, like customer के लिए जिस router से connectivity customer के घर पर आता है customer के लिए आता है वो हमारा customer edge router होता है फिर हमारे कुछ प्रोवाइडर एज राउटर होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए इस्तेमाल होते हैं अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके तो मल्टीपल्स राउटर के ऐसे लेयर्स बने होते हैं राउटर के टाइप्स होते हैं जहां जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे राउटर का हम लोग यूज करते हैं वी विल डिस्कस लेटर दैट हाउ टू कन्फिगर राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड अदर सिक्योरिटी इन राउटर तो इसका एक अलग वो है बट इन डेफ इन फंडामेंटल आई टी फंडामेंटल अबाउट राउटर ओनली राइट तो ये सारी चीजें हम लोग इधर देखते हैं राउटर के अंदर राउटर मैनेज बैंड विथ ऑलो मीन्स यू कैन मैनेज ट्रैफिक और यू कैन मैनेज बैंड विथ मीन्स इफ यू वॉन्ट टू मैनेज बैंड विथ आर यू इफ यू वॉन्ट टू मिनिमाइज हेलो क्लियर है वाइस ब्रेक हुआ था क्या बीच में okay. अभी सही है ना ओके okay, तो okay, so yes. मैं ये डिस्कस कर रहा था कि राउटर क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी फीचर फंक्शंस को सपोर्ट करता है वीपीएन जैसी सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड We can handle bandwidth allocation and uh, traffic shaping. Like, if you want to minimize or maximize the traffic bandwidth, you can with the help of router. Means you can control speed. You can control speed plus duplex with the help of router, right? So speed means if if your router provide a specific interface like interface G zero slash zero provide one thousand Mbps speed on router. So you can control or you can limit the bandwidth of fast Ethernet as per fast Ethernet means you can limit the bandwidth with hundred Mbps on router. So you can control speed and duplex. You can create either HDX mode or you can create either FDX mode as per need. तो हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स सारी चीजें आप इधर प्रिपेयर कर सकते हो यूज कर सकते हो क्लियर है ये राउटर का हमारा बेसिक फंक्शन है एंड फीचर है इन सिस्को पैकेट ट्रेसर सी दीज आर द राउटर्स ये सभी हमारे क्या है राउटर हैं। मैं और थोड़ा सा बड़ी टोपोलॉजी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जैसे कि One minute, BGP, BPDU guard. ये देखो नेट बेस की एक सिक्योरिटी यहां पर है तो यहां पर आप देख सकते हो एक छोटा सा लैब है और इस तरीके से हमारा इधर सेटअप है अनदर अगर हम लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायरलेस राउटर भी हमारा होता है और ये वायरलेस राउटर का ही पार्ट है मैं यहां पर एक मैंने जस्ट यहां से एक सिस्को का राउटर सेलेक्ट किया सो सी दिस इज द राउटर मैं एक सिंपल राउटर ले लेता हूं जो कि ये कुछ इस तरीके से रहेगा एंड And... यस yes. मैं इसको यहां से हटा देता हूं ये दिस इज दिस्को राउटर मीन्स एक हाई एंड का राउटर ये हमें देखने को मिल जाता है यस ये इसके अलावा आप अगर नॉर्मल वायरलेस राउटर की बात करेंगे तो वायरलेस राउटर हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे जो अभी आपने ऊपर देखा था दीज आर दायरलेस राउटर्स तो आप कोई भी एक राउटर यहाँ से देख सकते हो दीज आर द वायरलेस राउटर्स ओके okay? तो हजार पांच सौ के मिल जाते हैं और जो आपके सिस्को का राउटर वो आपने देखा था वो हजारों लाखों के राउटर्स होते हैं लाखों करोड़ों के राउटर्स होते हैं ठीक है मैं एज अ वायरलेस इसको यहां पर ऐड कर देता हूं थोड़ा सा जो बिल्कुल बिगनर है उनको थोड़ा हेल्प ज्यादा मिल जाएगी अगर मैं थोड़ा समय देकर इन सब चीजों को समझाता हूं पढ़ाता हूँ तो टू मंथ समय है मोर देन टू मंथ हम लोग लगा सकते हैं तो वायरलेस राउटर भी हमारा सेम कम करता है ठीक है वायरलेस राउटर इज ऑल्सो राउटर वेयर वी कैन कनेक्ट मोर देन टू नेटवर्क टू इच अदर तो जहां पर हम लोग एक या एक से ज्यादा नेटवर्क या मोर देन मल्टीपल्स नेटवर्क मीन्स ये भी हमारा सेम वैसे ही फंक्शन करता है बट ये वायरलेस राउटर होता है ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता है ठीक है और ये भी राउटर हम लोग आगे कन्फिगर करेंगे सारी चीजों के साथ और सिक्योरिटी भी इसका टेस्ट करने के लिए मैं एक सेल्फ पेस्ट वीडियो शेयर कर दूंगा यह सो यू कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विदाउट वायर विद द हेल्प ऑफ वायरलेस राउटर विदाउट वायर मीन्स देर इज नो नीड टू कनेक्ट योर मोबाइल विद वायर एंड ऑल योर लैपटॉप विथ वायर एंड ऑल यू कैन कनेक्ट विदाउट वायर तो वायरलेस ये फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है मीन्स एक वाईफाई कनेक्टिविटी पर वर्क करता है और हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के भी यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करता है तो इसका एक ही ड्रॉबैक uh, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एक ही कमी इसके अंदर मुझे देखने को मिलती है या हम सब लोगों को फेस करना पड़ेगा रेंज ओके यहाँ पर क्या होता है एक लिमिटेड रेंज होता है में से स्पेसिफिक रेंज होगा कि ये राउटर बाय डिफॉल्ट 10 मीटर्स का एक एरिया कवर करता है या 30 फीट का बाय डिफॉल्ट एरिया कवर करता है 10 मीटर और 30 फीट राइट बट अभी अगर हम लोग बहुत से ऐसे राउटर्स इंटर मार्केट में अवेलेबल होंगे ज्यादा रेंज कवर करते होंगे बट एक लिमिटेड मींस मिनिमम अगर कोई भी आप राउटर लेते हो तो उसका जो बेस कॉन्फिगरेशन होता है विद 10 मीटर फीट का एरिया वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है तो ये भी राउटर हमारा डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाता है सारे काम करता है बट स्मॉल लेवल के नेटवर्किंग के लिए मीन्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा ओके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि जो बहुत ही छोटे लेवल की कंपनीज हैं या फिर होम ऑफिस के लिए है ना होम के लिए ऑफिस के लिए ऐसे नॉर्मल वहां पर ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में नेटवर्क कनेक्टिविटी लेने के लिए नेटवर्क एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ये क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ फीचर या बोला जाए इन कंपेयर ऑफ एडवांस लेवल राउटर कम होते हैं लिमिटेड फीचर होते हैं जस्ट टू इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और कुछ सिक्योरिटी के नाम पर बेसिक फीचर अवेलेबल हो जाते हैं बट यू कैन नॉट हैंडल द ट्रैफिक एज मच एज पॉसिबल ओके आप इसमें जितना चाहो उतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकते there are some limitation. तो ये सारी चीजें हैं फीचर्स लाइक इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन मीन्स वाई फाई जब यहाँ पर लॉन्च होता है या वाई फाई एक्सेस होता है कोई भी एस एस आई डी यानी कि वाई फाई नेम जब आप इस पर कन्फिगर करके उसको पासवर्ड कन्फिगर करके अपने मोबाइल वगैरह से इसका वाईफाई जब एक्सेस करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक वाईफाई पासवर्ड कनफिगर कर सकते हो और उस वाईफाई पासवर्ड से फिर आप क्या कर सकते हो अपने वाईफाई के डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिक्योर कर सकते हो मीन्स हैकर अटैकर आपके वाईफाई को एक्सेस करेंगे तो उनको पासवर्ड देना पड़ेगा तो एक सिक्योर मेथड होता है कम्युनिकेशन का या सिक्योर डिवाइस है बहुत ही आसानी से कोई भी इसके वाईफाई को हैक नहीं कर सकता बट स्टिल सारे इसके जो वाईफाई फाईक्रिप्शन है वो सभी हैकेबल हैं आसानी से हैकर अटैकर हैक कर लेता है दिस इज द वायरलेस राउटर रेडियो के भी यहाँ पर ये कम्युनिकेट करता है एक्सेस पॉइंट हमारे पास यहीं पर कंफिगर होता है और आई थिंक मैंने एक डायग्राम यहाँ पर क्रिएट किया था लास्ट अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने जस्ट एक सोहो नेटवर्क नाम से क्रिएट किया था यू कैन सी तो मैंने एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया था एक्सेस पॉइंट का काम क्या होता है कि आपका वाईफाई राउटर कहीं भी सेटअप हो जैसे यहाँ पर आप एक एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो जैसे मैं यस yes. अगर मैं इंटरनेट यहाँ पर ले रहा हूँ और मान लिया कि यह हमारा वाईफाई राउटर है तो ये वाईफाई राउटर अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आने में फोर्टी फिट का एरिया या फिफ्टी फिट का एरिया कवर कर रहे हैं तो इसके फ्रिक्वेंसी यहाँ तक तो पहुंचेंगे नहीं इन डिवाइसेस तक तो हम लोग अगर जो यहाँ से स्विच है एक केबल के थ्रू जो केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं केबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी लेकर जा सकते हैं लैन केबल की कितना है केबल लेंथ ठीक है जीरो टू नाइनटी नाइन या फिर 100 तो एक हंड्रेड मीटर का बट केबल के थ्रू तो हम लोग यहाँ तक कनेक्टिविटी लेकर आ सकते हैं इस डिपार्टमेंट तक और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि इस डिवाइस को इंटरनेट सर्विस हम लोग केबल के थ्रू दे देते हैं और ये जो एक्सेस पॉइंट है ये एक्स्ट्रा एस एस आई डी मीन्स एक वाईफाई नेम

और इसको हम लोग वाईफाई और ऐसे केबल के थ्रू भी कनेक्टिविटी दे सकते हैं एक्सेस पॉइंट क्या करता है कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस टू अ वायर्ड नेटवर्क एक वायर्ड नेटवर्क को हम लोग पहले इसको वाई कनेक्शन देते हैं एंड देन हम इस पर एक वाईफाई पासवर्ड कन्फ़िगर करके इसके वाईफाई को एनेबल करके वाईफाई डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं स्पेसिफिक एरिया में हर जगह पर जहां भी वाईफाई चाहिए हम लोग इसके थ्रू हर एक एक्सेस पॉइंट को लगा सकते हैं हम लोग डब्ल्यू भी पढ़ेंगे वायरलेस लैंड कंट्रोलर तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब बड़ी कंपनी के अंदर वाईफाई कन्फिगर होता है तो हर एक ब्रांच के पास अपना खुद का एक्सेस पॉइंट होता है उन सभी एक्सेस पॉइंट को कन्फिगर करने के लिए एक कंट्रोलर होता है उसी कंट्रोलर से सारे एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करके कंट्रोल करके कन्फिगर करके सारी चीजें मैनेज करी जाती है हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे बट अभी के लिए एक्सेस पॉइंट क्या है एक ऐसी डिवाइस जो स्पेसिफिक एरिया में वाईफाई के थ्रू एक एक्सेस इंटरनेट का करवाता है और ये वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन का इस पर कनेक्टिविटी हम लोग दे सकते हैं ओके तो सपोर्ट मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली मींस आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट एक इंडस्ट्री में लगा सकते हो कंपनी के अंदर लगा सकते हो है ना और सभी को कनेक्टिविटी दे सकते हो जो भी हमारा वाईफाई स्टैंडर्ड होता है या वाईफाई कनेक्टिविटी होता है वो 802.11 से स्टार्ट होता है सबको पता होगा 802.11 हमारा वाईफाई स्टैंडर्ड है और जहां कहीं भी वाईफाई डिवाइस कंफिगर होता है 802.11 स्टैंडर्ड फॉलो होता है ठीक है तो इस तरीके का कुछ ये डिवाइस अवेलेबल होता है एंड रेस्ट uh, अगर हम लोग देखें तो वी कैन वी हैव पीओई पावर ओवर द डिवाइसेस तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो पावर ओवर इथरनेट डिवाइस है पावर ओवर इथरनेट डिवाइस इज सॉरी इज नो पार एडॉप्टर विदाउट पार सप्लाई और विदाउट पावर अडॉप्टर इसको आप क्या कर सकते हो इस्तेमाल कर सॉरी इस्तेमाल कर सकते हो यूज कर सकते हो मीन्स देर इज नो नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पावर सप्लाई विद द डीसीडॉप्टर आर एसी अडोप्टर किसी भी तरीके से आप इस डिवाइस को अडोप्टर या किसी पावर सप्लाई डिवाइस की जरूरत नहीं है ठीक है जो कैमरा वगैरह सेटअप करते होंगे अपने ऑफिस में या जिनको भी इसका आइडिया होगा तो वहां पर जो स्विचेस लगते हैं ना पीओई स्विचेस लगते हैं कैमरा वगैरह इंस्टॉलेशन सेटअप जहां कहीं भी होता होगा तो पावर ओवर इथरनेट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है मींस इसमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई नहीं है इसी केबल के थ्रू आपका पावर सप्लाई भी होता है और इसी केबल से डेटा भी ट्रांसफर होता है गॉट इट ये डिवाइसेस जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें बिना पावर सप्लाई दिए वो काम करते हैं नेटवर्क के अंदर वो हमारा क्या है पावर ओवर इथरनेट डिवाइस है पीओई डिवाइस -E है क्लियर है सिंपल बहुत कुछ इसमें याद नहीं करना है बहुत कुछ टेक्निक बाकी अगर स्विच है तो स्विच की तरह काम करेगा पीओई स्विच है ना पीओई राउटर है तो उसकी तरह काम करेगा सिंपल ओके तो इस तरीके का ये है विदाउट पावर सप्लाई हम इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नो नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पावर सप्लाई डिलीवर इलेक्ट्रिकल पावर ओवर इथरनेट जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना वो सभी कुछ केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है इसी केबल से ही ठीक है अलग से कोई पावर सप्लाई नहीं दी जाती एलिमिनेट द नीड्स फॉर सेपरेट पावर केबल मीन एक तरीके का जो अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत है ना वो चीज यहाँ पर ये इग्नोर करता है मीन इसको अलग से कोई पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती एट जीरो टू पॉइंट थ्री ए एफ एंड एट जीरो टू पॉइंट थ्री पर यह स्टैंडर्ड है और जब भी ये स्टैंडर्ड की बात होती है तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप विकीपीडिया पर जाकर आई ट्रिपल ई के इन सभी स्टैंडर्ड के बारे के बारे में पढ़ सकते हो काफी डिटेल में रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं वहां पर बट इसके बारे में बहुत कोई पूछेगा नहीं सो ओके सो पावर ओवर इथरनेट समझ में आया सबको कोई आप में से कैमरे वगैरह का सेटअप कभी किया है स्टार्टिंग में या कोई करता है सर पीओई में यूज किया हूं सर आईपी फोन में पीओई यूज होता है बिल्कुल एक्सेस पॉइंट में यूज होता है कैमरे स्विचेज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता हाँ, है हाँ कैमरे में भी होता है आपको एक पीओई डिवाइस का एग्जांपल बता दू टेलीफोन लाइन वाला जो नहीं वो फोन लैंडलाइन फोन होता है है ना उसमें भी हमें अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है तो सिंपल वो सारी डिवाइसेस जो बिना पावर सप्लाई अलग से दिए चलते हैं कि उनको पावर सप्लाई चाहिए बट उनको इतना कम चाहिए या इस लेवल का बैलेंस्ड पावर सप्लाई चाहिए जो कि इसी डिवाइस तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं you know, है प्रॉपर स्क्रीन ओके देन कम टू अभी नहीं होगा अभी नहीं होगा मैंने जस्ट एक्सचेंज किया था कनेक्शन को और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना तो थोड़ा इंटरप्शन है मे बी वन वीक से ऐसा है बट जल्दी ही एक दो दिन में फिक्स हो जाएगा ओके okay? अभी आई थिंक ओके है तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें लाइक like, डिवाइसेस के बारे में तो अगला हमारे पास आ जाता है ब्रिज और ब्रिज क्या है सिंपल मैंने यहाँ पर एक टॉपोलॉजी क्रिएट किया था और इसके थ्रू समझाया था कि ब्रिज इज नथिंग बट इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट लैन सेगमेंट और टू डिफरेंट लैन टू ईच अदर मीन्स यू कैन कनेक्ट लैन वन लैन टू विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज है ना तो सिंपल ब्रिज क्या करता है दो लैन सेगमेंट को आपस में जोड़ता है वही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारा जो नदी है या पुल बनता है तो पुल का काम क्या होता है नदी के एक छोर से दूसरी छोर को जोड़ना ऐसे हमारा ब्रिज भी है मान लिया कि आपका दो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर दोनों फ्लोर पर आपका अलग अलग नेटवर्क लाइन चल रहा है लाइन सेगमेंट है दोनों को आप चाहो तो एक ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो बट आजकल लोग ब्रिज की बजाय डायरेक्टली स्विच टू स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रिज कर सकते हो मीन्स दो स्विचेज के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बट ब्रिज भी एक सेपरेट डिवाइस होता है जो सेंट्रल मैनेजमेंट करता है मीन्स आप यहाँ से डिसकनेक्ट कनेक्ट ट्रैफिक मैनेज करना ये सारी चीजें कर सकते हो बहुत ही आसानी से ओके मान लिया कि आपने एक ब्रिज ले लिया तो सेंट्रल डिवाइसेस हमारे सर्वर रैक के अंदर है और हमें सेंट्रल डिवाइसेस को बार बार कनेक्ट या मैनेज करने की जरूरत नहीं है एक सिंपल ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट को कनेक्ट डिसकनेक्ट और इसको मैनेज कर सकते हैं तो ओवरऑल यही है बट ब्रिज का मेन काम क्या होता है कि ये दो नेटवर्क लैन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ब्रिज मतलब जोड़ने का काम करता है सिंपल ये बाकी बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है और उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज द सिंपल ब्रिज है ना ये लेयर टू पर वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पर एज पर ओ मॉडल और ये फॉरवर्ड करता है डेटा ट्रैफिक या जो भी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस ओके तो ये भी क्या करता है एक मैक एड्रेस के भी आप पर कम्युनिकेट कर रहा होता है मल्टीपल लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं कैन फिल्टर एंड कंट्रोल ट्रैफिक वही मैंने कहा कि इसका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट होता है यू कैन फिल्टर आर यू कैन कंट्रोल एवर नीड यू कैन कनेक्ट ऑल लाइन सेगमेंट टू ईच अदर नीड यू कैन डिसकनेक्ट टू ई अदर ओके की ये अपने डिपेंड या अपने नीड पर रिक्वायरमेंट है जब चाहे जिसको कनेक्ट और जिसको डिसकनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस तो किसी भी लाइन को कनेक्ट किसी भी लाइन को डिसकनेक्ट कर सकते हो दो लाइन को आपस में किसको कराना है कनेक्ट किसको नहीं कराना है सब मैनेज कर सकते हो एंड इट इनहस द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द कोलिजन जहां पर बहुत सारे लोग अब आपस में कनेक्ट हैं काम कर रहे हैं बातें कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस तो वहां पर थोड़ी ट्रैफिक कोलिजन होने का चांस है बट इससे हम क्या कर सकते हैं जिस नेटवर्क सेगमेंट को हमारे नेटवर्क सेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन की कोई जरूरत नहीं है उसको हम यहाँ से सेगमेंटेड अलग मीन्स डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज से और उसको उसकी ट्रैफिक को हम अपने नेटवर्क में आने से रोक सकते हैं तो एक तरीके का बैलेंस्ड ट्रैफिक के लिए कोलिजन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हो नेटवर्क के अंदर ओके okay. एंड uh, एक तरीके का ऐसे uh, ही हमारा रिपीटर भी है रिपीटर भी एक ब्रिज का काम करता है और ये रिपीटर को हम लोग एक्सेस पॉइंट ही बोल सकते हैं जब एक नेटवर्क में हमारे पास uh, ये वाईफाई है अब मान लिया कि ये ये वाईफाई रिपीटर का काम क्या होता है टू तो बूस्ट द सिग्नल ओके okay? अब मान लिया कि एक और मैं यहाँ पर मोबाइल uh, ले लिया जो कि इतना दूर है यहाँ से इससे काफी दूर है वैसे कनेक्ट हो जाएगा बट ये इतना दूर है ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक और एक्सेस पॉइंट या एक रिपीटर लगा सकते हैं यहाँ पर और वो हमें इसके लिए सर्विस देना स्टार्ट कर देगा मीन्स यू कैन बूस्ट द नेटवर्क सिग्नल विद द हेल्प ऑफ रिपीटर तो रिपीटर का काम क्या होता है नेटवर्क सिग्नल सिग्नल को एम्प्लीफाई करना या एक्सटेंड करना अपने नेटवर्क के लेंथ को बढ़ाना एक्सटेंड करना रिपीटर का मेन काम होता है जैसे ये एक एक्सेस पॉइंट है ये एक्स एरिया में काम कर रहा है ओके रूट यूनिट में काम कर रहा है एक और एक्सेस पॉइंट यहां पर लगा दिया जो कि आपका एक्सेस पॉइंट है जो कि अदर एरिया के लिए अदर लैंड के लिए अदर फ्लोर के लिए आपने कॉन्फ़िगर किया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर रहे होंगे ठीक है तो रीजेनरेट सिग्नल ये इसका काम क्या होता है ये रीजनरेट करता है सिग्नल को मीन्स जो वीक सिग्नल होता है ना उसको लॉन्गर ट्रांसमिशन के लिए या एक हायर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने का या ट्रांसलेट करने का काम करता है ठीक है और ये फिजिकल लेयर डिवाइस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लेयर वन पर वर्क करता है है ना ध्यान देना हमेशा है ना ऑपरेटेड फिजिकल लेयर और लेयर वन ऑफ द ओ एस आई मॉडल इनहेंस सिग्नल स्ट्रेंथ फॉर बेटर कम्युनिकेशन ये सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या करता है बेटर कम्युनिकेशन के लिए बढ़ाता है बहुत सारे ऐसे रिपीटर आपको देखने को मिलेंगे आप इंटरनेट पर देखोगे लाइक रिपीटर डिवाइस तो देखो रिपीटर है वीक सिग्नल को जब हम कनेक्ट करके एम्पलीफाई करते हैं बाहर लेकर जाते हैं तो ये क्या करता है उसको उस सिग्नल को लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करता है इससे क्या होता है कि हमारा आ, जो डेटा है वो एक लंबे डिस्टेंस के लिए अच्छी सिग्नल कनेक्टिविटी अगली अच्छी स्ट्रेंथ के साथ काम करता है आप देखते हो अभी आ, सभी शहरों में लगभग में हैवी रेन हो रहा है है ना तो ड्यू टू हैवी रेन आप लोग इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस करते होंगे है ना या फिर आप टीवी वगैरह जब यूज करते होंगे तो उसमें सेटअप बॉक्स अगर छतरी वाला ये सब है जो सैटेलाइट वगैरह के थ्रू चलता है सबको पता होगा उसमें भी इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस करते होंगे तो या फिर आप बहुत पुराने मॉडल अगर फोन वगैरह के देखेंगे जो बहुत पहले के टेलीकॉम थे तो वो एक एक्सटेंडर घर पर इंस्टॉल किया जाता था छत पर वहां से एक केबल लाकर मोबाइल में कनेक्ट कर दिया जाता था मोबाइल के पोर्ट पर तो वो हमारे मोबाइल के कनेक्टिविटी के या सिग्नल को बढ़ा कर रखता था है ना तो सिंपल हमारा जो एंटीना होता है ना ये भी एक तरीके का रिपीटर का ही काम करता है ये फ्रिक्वेंसी को रिसीव करता है और एक अच्छी फ्रिक्वेंसी में मीन्स अच्छे जो एंटीना होते हैं या जो ट्रांसीवर रिसीवर डिवाइसेस होती हैं वो भी इसी तरीके के पॉइंट पर काम करती हैं एम्पलीफायर मशीन जो डीजे वगैरह की मशीनें होती हैं आपने देखा होगा कि उसमें मोबाइल से आप पूरा का पूरा एम्पलीफाई करते हो तो लो लेवल की फ्रिक्वेंसी हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता हमारा रिपीटर है ना ये इस तरीके का इस्तेमाल किया जाने वाला सिंपल डिवाइस है तो एम्पलीफाई द सिग्नल सिंपल ओके इन एनी वे वायर्ड एंड वायरलेस जो भी ऐसी डिवाइसेस जो एम्पलीफाई करते हो सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं सो so, इसके थ्रू हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आप अगर वायर्ड और वायरलेस की रेंज को बढ़ाना चाहते हो है ना मीन्स अगर वायरलेस देखा जाए तो उसका रेंज कितना होता है तीस फिट का एरिया बाय डिफॉल्ट तो तीस फिट से आगे अगर मुझे लेकर जाना है तो हम क्या कर सकते हैं एक एक्सेस पॉइंट एक्सटेंडेड इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज बढ़ जाएगी हमारी है ना वो केबल के थ्रू सिग्नल लेकर जाएगा या उस लो लेवल के फ्रिक्वेंसी को रिसीव करके हाई लेवल में कन्वर्ट कर देगा वायर्ड कनेक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो 99 मीटर का एरिया 100 मीटर की केबल लेकर जा रहे हैं बट 150 पर अगर लेकर जाना है देन नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट विद सेम लैंड केबल सो यू कैन यूज रिपीटर ओके okay, एक रिपीटर इस्तेमाल कर सकते हो और वो एटी मीटर या फिफ्टी मीटर पर लगा देन आपने अलग एक्सटेंड कर दिया तो लो लेवल की फ्रिक्वेंसी जहां लग रहा है कि यहां तक फ्रिक्वेंसी लो लेवल की आ रही है डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ से क्या कर सकते हो रिपीटर को यूज कर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजें हैं तो ये जस्ट ओवरव्यू रहा स्विच के बारे में राउटर के बारे में और अदर डिवाइसेस के बारे में एंड क्लियर है सभी को हेलो एनी क्वेरी कोई नहीं तो फिर बढ़िया है सबको क्लियर है मैं इसका शॉर्ट नोट शेयर कर देता हूं इसको वर्ड फाइल में या अपने एक वर्ड फाइल सभी लोग क्रिएट करो और उसमें अपना सारा मटेरियल ऐड करते हुए चले जाना ठीक है सर हां जी सर जो हमारी प्रीवियस लाइव क्लासेस हुई थी उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर प्रीवियस में कुछ खास नहीं है आज से हम लोगों का टॉपिक है और बिल्कुल समझ लो कि आज से इसको देखो बाकी प्रीवियस हमारा अ बेसिस लैंडमैन पर हुआ था वो भी हमारे वेबसाइट पर uh, मिल चुका है आई थिंक सबको अलाउ किया गया है कुछ लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड नहीं क्रिएट किया था तो उनको अभी नहीं मिल पाया है तो सर जो csco uh, live.com हाँ. पे था ना सर उसकी मैंने आईडी uh, पासवर्ड जनरेट कर दिया था और आपका जो WhatsApp नंबर था उस पे सेंड uh, भी कर दिया था पर मैं अभी भी लोग दूं सर कोई नहीं मैं वन बाय वन देख लेता हूँ ठीक है तो आज का कंटेंट यहीं पर है मैं जो भी है उसको देखता हूँ